नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी यूनिवर्सिटी एजुकेशन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं दास्तान वित्तीय और लेखा नियमों का खजाना। आज हम इन नियमों के कुल 5 नियम पढ़ेंगे, जिनमें से नियम 22, नियम 23, जो दोनों ही नियम है वो हानियों के संबंध में है। नियम 23 में हानियों का अपलेखन किया जाता है, हानियों का अपलेखन अर्थात हानियों को राइट ऑफ किया जाना। राइट ऑफ किए जाने का मतलब है कि ऐसी हानि जिसको रिकॉर्ड में ऐसा मान लिया जाता है कि वो वसूली नहीं है, उसकी वसूली नहीं की जा सकती, उसकी प्राप्ति संभव नहीं है और उसको भरा पूरा कर लिया जाता है, वही कहलाता है राइट ऑफ, या हिंदी में उसको कहे तो अपलेखन। और नियम 22 में हानियों का उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व तय किया जाता है कि जो हानि हुई है उसके लिए कौन उत्तरदायी है, किसकी जिम्मेदारी है, किसको जिम्मेदार ठहरा जाए, यह हानियों का उत्तरदायित्व नियम 22 में है। नियम 22 में हानियों का उत्तरदायित्व और नियम 23 में हानियों का अपलेखन, दोनों हानियों के संबंध में है। और हानियों के संबंध में दो नियम हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, नियम 20, ऐसी हानियाँ जो कि गबन के द्वारा की गई, कपट के द्वारा की गई या दुर्विनियोग के द्वारा की गई, दुर्विनियोग के द्वारा, कपट के द्वारा, गबन के द्वारा की गई हानियों की रिपोर्ट कौन भेजता है, किसे भेजता है, ये नियम 20 में है, ये हम पढ़ चुके हैं। और नियम 21 में जो दुर्घटनावश हानि हो जाती है, दुर्घटनाओं से हानि होती है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे बाढ़ है, चक्रवात है, या आगजनी है, या भूकंप है, इन प्राकृतिक कारणों से दुर्घटनाओं से जो हानियां होती है, उन हानियों की रिपोर्ट नियम 21 में हम पढ़ चुके हैं कि ये रिपोर्ट कौन किसको देगा। तो नियम 20 और 21 का मैंने संदर्भ इसलिए दिया है कि हानियों की रिपोर्ट जो है 20 और 21 में भेजी जाती है, 20 में जो जानबूझ के हानि की गई है वो, और 21 में जो प्राकृतिक कारणों से हुई हानि वो। दोनों ही हानियों को अलग अलग वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, आज हम केवल दो ही हानियाँ देखेंगे जो नियम 22 और 23 में है, और वो हानियों की क्या स्थिति है, वो हानियों का उत्तरदायित्व नियम 22 में है और हानियों का अपलेखन नियम 23 में है। कोई विशेष लंबे नियम नहीं है, आपको एक एक वर्ष ध्यान में रखना है कि नियम 22 में हानियों का उत्तरदायित्व है और नियम 23 में हानियों का अपलेखन है। हानियों के उत्तरदायित्व के संबंध में एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, वो रखनी है परिशिष्ट 3। परिशिष्ट 3 में हानियों के उत्तरदायित्व के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि परिशिष्ट 3 में क्या है, या ये पूछा जा सकता है कि हानियों का उत्तरदायित्व के संबंध में जो निर्देश है वो किस परिशिष्ट में है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना कि ये नियम महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण परिशिष्ट है। और परिशिष्टों को एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कि किस परिशिष्ट में क्या है, यह आपको ध्यान रखना है। और इस एपिसोड में मैं आपको परिशिष्ट 3 के अलावा परिशिष्ट 4 भी बताऊंगा और परिशिष्ट 5 भी बताऊंगा, और इन दोनों में क्या है वो दिया हुआ है नियम 25 में। तो नियम 25 में परिशिष्ट 4 और 5 के संबंध में है, और इनमें कर्तव्य दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं और उत्तरदायित्व दिए गए हैं, दोनों में ही कर्तव्य और उत्तरदायित्व दिए गए हैं। किसके दिए गए हैं, परिशिष्ट 4 में जो है वो जो लेखा सेवा है, लेखा सेवा के अधिकारी जो है, उन अधिकारियों के कर्तव्य उत्तरदायित्व परिशिष्ट 4 में है, और जो अधीनस्थ लेखा सेवा है, अधीनस्थ लेखा सेवा, उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व परिशिष्ट 5 में दिए गए हैं। ये बात कही गई है नियम 25 में। 25 नियम ये कहता है कि लेखा अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व परिशिष्ट 4 और 5 में दिए गए हैं। परिशिष्ट 4 में क्या दिया गया है, लेखा सेवा के अधिकारी, और परिशिष्ट 5 में क्या है, अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मचारी जिनका उत्तरदायित्व और कर्तव्य
क्या क्या है, लेकर सेवा में फाइनेंशियल एडवाइजर आता है, सीनियर एओ आता है और एओ आता है और चीफ अकाउंट ऑफिसर आता है। ये बड़ी पोस्टें जो है लेखा सेवा में आती है जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधीन है, और अधीन सेवा लेखा सेवा जो है वो डीटीए के अधीनस्थ आती है, निदेशक कोष है वो लेखा के अधीन आती है, और लेख और कोषा जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधीन ही आता है। और अधीनस्थ लेखा सेवा में कौन कौन आते हैं, सहायक लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी फर्स्ट और सेकंड दोनों, और जूनियर अकाउंटेंट जो कनिष्ठ लेखाकार है वो इसमें आता है अधीनस्थ लेखा सेवा में। तो प्रशिष्ट 4 और 5 में क्या है ये उल्लेखनीय है, आपको ध्यान में रखना है। प्रशिष्ट 3 में क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। नियम 22 में मैं आपको बता चुका हूँ कि हानियों का उत्तरदायित्व के संबंध में है। 23 जो है हानियों के अपलेखन के संबंध में है, और 25 जो है वो लेखा अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य उत्तरदायित्व कहाँ दिए गए हैं इस संबंध में नियम 25 है। अब हम प्रशिष्ट 4 देख चुके हैं, 5 देख चुके हैं और 3 देख चुके हैं, और नियम 22 और 23 देख चुके हैं, 20 और 21 पहले पढ़ चुके हैं और नियम 25 देख चुके हैं। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ये नियम पढ़ चुके हैं तो उसी समय आपके मस्तिष्क में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, इनमें क्या दिया हुआ है और इनमें क्या दिया हुआ है। नियम जो 24 है वो विनियमों के संबंध में है कि जो विभागीय विनियम है, जो रेगुलेशंस है, नियमों के बाद में विनियम आते हैं, विशेष नियम आते हैं, वो किसी विभाग विशेष के नियम हो सकते हैं, और ये जो नियम है वो कौन बनाता है, और ये नियम कौन बनाता है, वित्त विभाग बनाता है। वित्त विभाग विनियम बनाएगा, और या फिर वित्त विभाग की सहमति से, वित्त विभाग की स्वीकृति से ये नियम संबंधित विभाग द्वारा बनाए जाएंगे। यदि संबंधित विभाग ये नियम बनाता है तो वित्त विभाग से सहमति लेगा, स्वीकृति लेगा, तभी विनियम बना सकेगा। और ये कौन से विनियमों की बात चल रही है, ऐसे विनियम जिससे सरकारी धन पर फर्क पड़ता हो, प्रभाव पड़ता हो, चाहे वो प्राप्ति करने के संबंध में हो और चाहे वो धन को खर्च करने के संबंध में हो। कहने का अर्थ ये है कि वित्तीय जो मामले हैं उन मामलों में यदि कोई नियम बनाए जाते हैं तो वो नियम वित्त विभाग द्वारा बनाए जाएंगे या उसकी सहमति से बनाए जाएंगे। ये नियम 24 कहता है, ये नियम 24 कहता है। नियम 26 जो है वो है शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में, शक्तियों का प्रत्यायोजन, इसमें अंग्रेजी में हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर्स, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का प्रत्यायोजन, वो नियम 26 में दिया गया है। और नियम 26 में केवल इतना कहा गया है शक्तियों का प्रत्यायोजन डेलीगेशन ऑफ पावर्स जो है वो पार्ट 3 में है, किसके, जो GF&AR है उसके पार्ट 3 में शक्तियों का प्रत्यायोजन दिया गया है, भाग 3 में, संस्थान वित्तीय और लेखा नियमों के भाग 3 में शक्तियों का प्रत्यायोजन दिया गया है। शक्तियों का प्रत्यायोजन क्या होता है, सरकार जो है अधीनस्थ अधिकारियों को शक्तियाँ देती है कि इस शक्ति तक, इस सीमा तक इस पोस्ट का अधिकारी ये कार्य कर सकता है, ये निर्णय ले सकता है, वो ये शक्तियाँ हैं उसी बोलते हैं शक्तियों का प्रत्यायोजन, और ये नियम 26 में बताया गया है। तो नियम 26 में शक्तियों का प्रत्यायोजन, नियम 25 में लेखा अधिकारियों कर्मचारियों के कर्तव्य उत्तरदायित्व, नियम 24 में विभाग के विनियम किसके द्वारा बनाए जाएंगे, वित्त विभाग के द्वारा या उसकी सहमति से बनाए जाएंगे, और नियम 23 बहुत ही महत्वपूर्ण है हानियों के अपलेखन के संबंध में है कि हानियों का अपलेखन कौन कर सकता है। यदि हानि नगद की हुई है तो ऐसी हानि का अपलेखन नहीं किया जाएगा। कैसे किया जा सकता है अपलेखन, सरकार की अनुमति से, सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, अनुमोदन लेना पड़ेगा, तभी इनकी
नकद की हानि के मामले में अपलेखन किया जा सकता है, और जो नकद की हानि हुई है ऐसे मामलों में तुरंत ही सूचना किसको भेजी जाती है? निदेशक निरीक्षण विभाग को इसकी सूचना भेजी जाएगी। जो नकद की हानि हुई है कहाँ हुई है? कोषालय में, ट्रेजरी में जो नकद की हानि हुई है ऐसे मामलों में हानि की तुरंत सूचना निदेशक निरीक्षण विभाग को रिपोर्ट भेजी जाती है। और नकद के मामले में जो हानि हुई है उसकी अपलेखन कैसे किया जा सकता है? सरकार की स्वीकृति लेकर, सरकार का अनुमोदन लेकर, सरकार की सहमति लेकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा हानियों का जो अपलेखन है वो कौन कर सकता है? सक्षम प्राधिकारी। और सक्षम प्राधिकारी कौन है? जिसे शक्तियों का प्रत्ययोजन किया गया है, जिसे शक्तियाँ डेलीगेट की है वही सक्षम प्राधिकारी है। और यदि जो वित्तीय व्यवस्था है, जो वित्तीय प्रणाली है, उस प्रणाली में, उस तंत्र में यदि कोई दोष है, कोई कमी है और उस कारण से हानि हुई है, तो ऐसे मामलों में उसमें संशोधन के लिए सरकार को लिखा जाएगा और उनका अपलेखन नहीं किया जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति विशेष के कारण हानि हुई है, व्यक्तिगत कारणों से हानि हुई है, तो और उसको दंड देना है या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारी को लिखा जाएगा और ऐसे मामलों में भी अपलेखन नहीं किया जाएगा। और यदि जो हानियां हुई है यदि वह किसी के वेतन से वसूली की जा सकती है, तो ऐसी वसूली की जाएगी उसके वेतन से, और वसूली करके संबंधित अधिकारी को, प्राधिकारी को वह धनराशि भेज दी जाएगी। ये भी लिखा गया है नियम 23 में। जो नियम 22 है, हानियों का उत्तरदायित्व, हानियों का उत्तरदायित्व उसी का होगा जिसके अधीन या जिसके कार्य करने के कारण या जिसके चार्ज में जो काम था और उसके अधीन यदि हानि हुई है तो उसी का उत्तरदायित्व होगा। और यदि किसी दूसरे ने कोई हानि की है और उसमें किसी का कोई सहयोग रहा है या उसके कार्य की कोई ड्यूटी थी, तो जिस भाग तक उसका ड्यूटी थी उसी भाग तक वह हानि के लिए उत्तरदायी होगा। और हानियों के उत्तरदायित्व के लिए निर्देश जो है वो परिशिष्ट 3 में दिए गए हैं कि किस तरह से उनकी वसूली की जाएगी, किस तरह से पुलिस कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सारे निर्देश, सारी प्रक्रिया परिशिष्ट 3 में दी गई है हानियों के उत्तरदायित्व के संबंध में। और हानियों का उत्तरदायित्व जो है, जो नियम 20 में जो हानियाँ दी गई है, कौन सी हानियाँ? जिसमें गबन किया गया है, कपट किया गया है, दुर्विनियोग किया गया है, ऐसी हानियों के संबंध में ही उत्तरदायित्व तय किया जाता है नियम 22 में। 21 में जो हानियाँ हैं वो प्राकृतिक कारणों से होती है, दुर्घटनावश होती है, तो उसके लिए उत्तरदायित्व है तय की कोई विशेष बात सामने नहीं आती है, इसलिए नियम 22 को विशेष 20 को ध्यान रखना कि इस प्रकार के मामलों में उत्तरदायित्व तय 22 में किया जाता है। तो लेखा नियमों के संबंध में नियम 20 से लेकर 26 तक समग्र रूप से मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अपनी राय दे सकते हो। और ये टेक्निकल शब्दावली है जिसमें आपको रिलेट करके ध्यान रखना है कि कौन से नियम में क्या दिया गया है, केवल इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, कौन से परिशिष्ट में क्या दिया गया है, कोई विशेष कठिन नहीं है ये नियम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट नियमों के लिए एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।